Hello students, today I am going to teach you the second unit of beehive. It's a poetry section, wind. Okay, I'll try my best to make you understand this chapter very easily in Hindi so that you can understand and score good marks and can answer the question that follows. Okay, so let's begin our class. आज हम पढ़ेंगे wind. ये beehive का second unit का poetry section है ना? सेकेंड यूनिट में द साउंड ऑफ द म्यूज़िक है ना, उसी का पार्ट है ये. तो हम लोग आज पढ़ेंगे विंड के बारे में. विंड के माने तो हवा होता है, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा हम नज़र डालते हैं उनके राइटर के ऊपर कि राइटर कौन है. ठीक है, देखिए यहाँ पर जो है सुब्रमण्य भारती, इन्होंने ही लिखा था इस पोएम को. ठीक है, सुब्रमण्य भारती जो है ये पैदा हुए थे 1882 में, 1921 में इनका इंतकाल हुआ. इज़ अ ग्रेट तमिल पोइट. ये कैसे पोइट थे? तमिल पोइट थे और बहुत महान पोइट थे. ये फेमस फॉर हिज पैट्रोटिज्म, हुब्बुल वतनी, देशभक्ति के लिए बहुत मशहूर थे. इन द प्री इंडिपेंडेंस इरा, हिंदुस्तान की आज़ादी से पहले देशभक्ति में बहुत मशहूर थे. इन्होंने बहुत सारी किताब पोइट्री जिन्होंने लिखी होगी देशभक्ति के नाम पर. अब आगे देखते हैं इन्होंने ये तो उन्होंने लिखा तमिल में. ए के रामानुजन जो है कन्नड़ और इंग्लिश पोइट हैं. ये एक और पोइट हैं ए के रामानुजन. ये क्या किया उन्होंने, ये बहुत मशहूर हैं फॉर हिज ट्रांसलेशन. वो अपने ट्रांसलेशन के लिए बहुत मशहूर हैं. ये ट्रांसलेट बहुत करते हैं कन्नड़ से इंग्लिश में, इंग्लिश को कन्नड़ में ट्रांसलेट अच्छा करते हैं. फॉर क्लासिकल एंड मॉडर्न पोइट्री, यानी कि आज के ज़माने के पुराने ज़माने की जो पोइट्रियाँ थी उसको उन्होंने ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में और कन्नड़ के, वो इंग्लिश में इंग्लिश को कन्नड़ में. तो उसमें इन्होंने जो है क्या किया, इस तमिल पोएट को भी, पोएम को भी इन्होंने ही कन्वर्ट किया इंग्लिश में. आई बात समझ में? ए के रामानुजन, देखिए यहाँ ट्रांसलेटेड, रिटन बाय सुब्रमण्य भारती और ट्रांसलेटेड फ्रॉम द तमिल बाय ए के रामानुजन. तो इंग्लिश में इन्होंने ए के रामानुजन ने उसको ट्रांसलेट किया. लिखा किसे गया है? सुब्रमण्य भारती के जरिए. आई होप कि आपको समझ में आ गया. चलिए इसका हम पहले बैकग्राउंड देखते हैं कि विंड के माना होता क्या है. आपको ऐसा पता है द विंड ब्लोज स्ट्रांगली, जब हवा बहुत तेज़ बहती है तो क्या करती है, कॉज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन, तो बड़ी तबाही लाती है. जब तूफान की शक्ल अख्तियार कर लेती है, साइक्लोन की शक्ल अख्तियार करती है, तो देख लें घर के घर उजड़ जाते हैं, पेड़ पौधे उखड़ जाते हैं, बिजली खंभे सब गिर जाते हैं. क्या, हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स विथ इट. तो इसमें उन्होंने बताया है कि हम इससे दोस्ती कैसे कर सकते हैं. तो बेसिकली इसमें जो है पोएम में क्या डिस्क्राइब किया गया है, पावर ऑफ विंड. ठीक है, पावर ऑफ विंड को बताया गया है कि विंड का क्या पावर है, और इन्होंने इसके जो है वायलेंट एस्पेक्ट को बताया है कि कितना ताकतवर और कितना डिस्ट्रक्टिव होता है ये. मतलब ये जब बहता है अगर ताकत के साथ, कितनी तबाही लाता है. और ये भी बताते हैं कि हम इसके साथ दोस्ती जब कर सकते हैं, जब हम इसके साथ, जैसे मिसाल के तौर पर ये जो है दोस्ती उसी से करता है जो इस मजबूत होते हैं. कमज़ोरों से यह दोस्ती नहीं करता, ये तो कमज़ोरों का मजाक बनाता है, कमज़ोरों से खेलता है या कमज़ोरों को नुकसान पहुंचाता है. तो समझ में आ गया है हमारे तक कि ये जो है ना कमज़ोरों का मजाक बनाता है लेकिन ताकतवर चीज़ों का सपोर्ट करता है. इसलिए जो है जो पोएट हैं वो सजेस्ट करते हैं कि रीडर्स को क्या चाहिए, जो पढ़ने वाले हैं उनको मजबूत होना चाहिए फिज़िकली भी और मेंटली भी. ठीक है, तो यहाँ पर जो विंड है वो किसका सिंबल दिखा रहा है, वो हार्डशिप, परेशानियाँ, दिक्कतें, मुसीबतें, ऑब्स्टेकल्स, ये सब का एक सिंबल है विंड, जो इंसानों के साथ, इंसान उसका सामना करता है हार्डशिप का, परेशानी का, दिक्कतों का. और फिर वही बता रहे हैं कि अगर हम जो है ना मजबूत होंगे, ताकतवर होंगे, तो ये परेशानियाँ कोई परेशानी नहीं रहेंगी, ये हर परेशानी से निकलने का रास्ता निकाल लेगा. समझ में आई बात? तो इलाज एक ही बताया, मजबूती. चलिए हम पढ़ते हैं स्टोरी को, इस पोएम को फिर से पढ़ते हैं, समझते हैं लाइन बाय लाइन. विंड कम सॉफ्टली, विंड से वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि विंड कम सॉफ्टली, धीरे चलो, है ना. डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज़, और उसे रिक्वेस्ट करते हैं कि देखो शटर्स को, खिड़की के पल्लों को तोड़ो मत. डोंट स्कैटर द पेपर्स, और जो पेपर्स है ना उसको भी ना बिखेरो, पेपर्स जो हमने रखे हैं उसको ना बिखेरो.
डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ, और जो किताबें सेल्फ पे पड़ी हुई हैं उसको गिराओ मत। देयर लुक व्हाट यू डिड, लेकिन क्या होता है वो उसकी रिक्वेस्ट को नहीं सुनता। कौन नहीं सुनता भाई जी, विंड उनकी रिक्वेस्ट को नहीं सुनता, तो फिर सब चीज़ें, तो फिर ये पोएट कहते हैं देयर लुक व्हाट यू डिड, देखो तुमने क्या कर दिया। यू थ्रो देम ऑल डाउन, तुमने सब कुछ गिरा डाला। यू टो द पेजेस ऑफ द बुक्स, आपने सारी किताबों के पेज को फाड़ दिया। यू ब्राउट रेन अगेन, तुम फिर बारिश ले आए। यू आर वेरी क्लेवर एट पॉकिंग फन एट वीकलिंग्स, तुम बहुत चालाक हो और आप जो है ना कमज़ोरों का मजाक बनाते हो। पॉकिंग फन एट मतलब होता है मजाक बनाना, ठीक है, मेकिंग फन ऑफ वीकलिंग्स मतलब कमज़ोरों का, तो आप जो है कमज़ोरों का मजाक बनाने में बहुत माहिर हो। यू आर वेरी क्लेवर, ठीक है। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेज, फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेज क्रम्बलिंग डोर्स, उसी तरह जो है क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हर्ट्स। सो फ्रेल के माना होता है यहाँ पर, आप देखिए, वीक एंड डेलिकेट, कमज़ोर, ठीक है। क्रम्बलिंग्स मतलब होता है ब्रेक्स इनटू क्रम्स, मतलब चूरा चूरा कर देना, समझ में आ रही बात, चूर चूर कर देना बोल सकते हो उसको, तो ब्रेक्स इनटू क्रम्स, इससे खस्ता हालत कर देना उसको, चूरा चूरा कर देना मतलब, समझ गया ना। तो यहाँ पर फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, तो तुम क्या करते, तुम फ्रेल मतलब कमज़ोरों को क्या करते, गिरा देते, बिखेर देते, चूरा चूरा कर देते। उसी तरह क्रम्बलिंग डोर्स और कमज़ोर दरवाज़ों को भी तुम चूरा चूरा कर देते। क्रम्बलिंग राफ्टर्स, राफ्टर्स माने होता है जो सपोर्ट करते बीम को, जब क्या बोलते उसको, राफ्टर मतलब होता है स्लोपिंग बीम सपोर्टिंग रूफ, रूफ को जो जो स्लोपिंग बीम्स होती हैं उसको भी तुम चूरा चूरा कर देते हो। क्रम्बलिंग वुड्स, ब्रेक इनटू पीसेस, ठीक है, ब्रेकिंग इनटू क्रम्स। सो क्रम्बलिंग वुड्स, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स एंड क्रम्बलिंग हर्ट्स, तो हर चीज़ जो आपके साथ तुम्हारे सामने आती है, वो इंसान हो चाहे चीज़ें, सबको तुम चूरा चूरा कर देते हो, बिखेर देते हो और क्रम्स में तब्दील कर देते हो, समझ में आ रही बात। उसके बाद जो है द विंड गॉड वी नोज एंड क्रश देम ऑल, उसके बाद कहा उन्होंने जो हवा का देवता है वो क्या करता है, द विंड गॉड विनोज, विनोज के माने आपने देखा होगा ओसाना बोलते हैं, जब वो किसान जो है अनाज को ओसाते हैं जिससे घास वगैरह अलग हो जाते हैं, दाना अलग हो जाता है, विनोज उसको बोलते हैं हवा के ज़रिया। तो क्या वो विंड क्या करता है, विंड गॉड विनोज एंड क्रश देम ऑल, ये सबको उड़ा ले जाते हैं और सबको चूर चूर कर देते हैं, सबको बिखेर देते हैं, क्योंकि ये वायलेंट शेप है, जब ये पूरी ताकत के साथ आता है तो ऐसे ही बड़ी तबाही लाता है, सामने जो पड़ता है उसको तोड़ता, बिखेरता, है ना, गिराता, सब कुछ ऐसे ही। अगर दरवाजे कमज़ोर हो, दीवार और मकानात कमज़ोर हों, तो वो सब उसको जो है सबको गिराते पड़ाते तोड़ते नुकसान पहुँचाते जाता है, आपने देखा भी होगा, ठीक है। ही वॉन्ट डू वॉट यू टेल हिम, ही वॉन्ट डू वॉट यू टेल हिम, जब जो आप कहोगे उससे वो ऐसा नहीं करेगा, बिल्कुल उल्टा करेगा, समझ में आई बात। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, तो चलो आओ अब हम अपने घरों क्या करते हैं, घरों को मजबूत करते हैं। लेट्स जॉइन द डोर फर्मली, दरवाज़ों को मजबूती से जोड़ते हैं। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, और बदन को हम क्या करें उसको भी मजबूत करें, स्ट्रॉन्ग बनाएं। मेक द हार्ट स्ट्रीट फास्ट, और दिल को भी मजबूत बनाएं। स्ट्रीट फास्ट के माने भी होता है फर्म, मजबूत, ठीक है। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड विथ अस, ऐसा कर लो तो फिर क्या होगा, हवा भी हमारे साथ दोस्ती करेगा। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, क्योंकि विंड क्या करता है, ब्लोज आउट बुझा देता है कमज़ोर आग को। आपने देखा होगा जब आप मोमबत्ती जलाते हैं और थोड़ा सा भी हवा लगता है तो वो बुझ जाता है ना, कमज़ोर आग को बुझा देता है हवा। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लॉरिश, लेकिन जो है फ्लॉरिश के माना आप समझ लीजिए प्रॉस्पर, ग्रो वेल, डेवलप, तो जो है ना स्ट्रॉन्ग फायर्स यानी मजबूत आग को
और बढ़ावा देता है और बढ़ाता है, फैलाता है। मानो कि जंगल की आग अगर एक जगह लगी है तो उसको कैसा पूरा जंगल में फैला देता है। तो मज़बूत बड़ी आगों को क्या करता है, मज़बूत आग को और बढ़ाता है, कमज़ोर आग को बुझा देता है। तो इससे पता चलता है कमज़ोरों के साथ वो दुश्मन, कमज़ोरों के साथ जो है उसका अलग रवैया है और मज़बूतों के साथ उसका अलग रवैया है। तो यहाँ सजेस्ट कर रहे हैं कि चलो अब हम जो अपने दरवाज़ों को, अपने खिड़कियों को और अपने जिस्मों को क्या करें, मज़बूत बनाए, ताकि ये विंड हमसे दोस्ती करे, ठीक है। और विंड क्या करता है, कमज़ोर आग को, क्योंकि कमज़ोर आग को बुझा देता है और मज़बूत आग को और बढ़ावा देता है। His friendship is good, उसकी दोस्ती बहुत अच्छी है। We praise him every day, और हम उसकी रोज़ाना तारीफ़ करेंगे जब हम आग से दोस्ती करेंगे। दोस्ती कब करेंगे, जब हम अपने को मज़बूत बना लेंगे। तो जब हम मज़बूत बना लेंगे तो ये आग हमें नफ़ा पहुँचाएगी, और अगर हम कमज़ोर रहेंगे तो हमें नुकसान पहुँचाएगी। समझ में आ रही बात, अरे क्लियर हो गया। तो यहाँ पर ये बात थी कि हम अपने को, यहाँ एक बहुत बड़ा मैसेज था, मैसेज ये था कि हम सब जो है अपने को हार्डशिप के लिए, परेशानियाँ जो आती हैं, मुसीबतें आती हैं, ये हर एक इंसान पे आती हैं, ये परेशानियाँ कमज़ोरों के साथ जो है वही मामला करती है जो हवा कमज़ोरों के साथ करती है। इसलिए चाहिए कि हम अपने को मज़बूत करें, और मज़बूत करेंगे तो फिर परेशानी कोई परेशानी या हार्डशिप हमारे साथ हार्डशिप नहीं रहेगा, बल्कि हमें हर हार्डशिप से निकलने का एक रास्ता निकल नज़र आएगा, ठीक है। इसलिए डोंट बिकम वीक, ठीक है। आप इसको देखें, ये बहुत अच्छा मैसेज था। अब इसमें आप जो है देखिए, थिंकिंग अबाउट द पोएम, इसको आप कंप्लीट करिए, राइट द आंसर, आई होप यू कैन डू इट ईजिली। ओके सी अगेन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो।